डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर चैनल अजय कॉमर्स गुरु। प्यारे प्यारे बच्चों, आज मैं बीकॉम फर्स्ट ईयर वाले बच्चों को इंट्रो दे रहा हूं बेटे, और ये आपका इंट्रो क्लास होगा। आप इसको डेमो क्लास भी मान सकते हो कि फर्स्ट ईयर के अंदर हमें क्या क्या टॉपिक करना है और फर्स्ट ईयर के अंदर हमारे लिए क्या इम्पॉर्टेंट है बेटे, क्या हमारे लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है। तो आइए बेटे, एक एक करके डिस्कस करें आपके अकाउंट्स के लिए। हमारा अकाउंट फर्स्ट ईयर के अंदर फाइनेंशियल अकाउंट्स होगा बेटे। फाइनेंशियल अकाउंट्स का जो आपका पेपर होना है, दैट विल बी 75 मार्क्स, ठीक है। 75 नंबर के पेपर में बेटे, दिल्ली यूनिवर्सिटी वाले बच्चों के 75 मार्क्स के क्वेश्चन में एक थ्योरी का क्वेश्चन होगा, 5 प्रैक्टिकल के क्वेश्चंस होंगे। फर्स्ट जो आपका क्वेश्चन अगर मैं बात करूंगा बेटे, तो पहला क्वेश्चन आपका थ्योरी से होगा 5 नंबर के लिए। सेकंड क्वेश्चन बेटे आपका ब्रांच से है बेटे, 14 मार्क्स के लिए। थर्ड क्वेश्चन बेटे हायर परचेजेस से है, और हायर परचेजेस से 14 मार्क्स के लिए है बेटे। फोर्थ क्वेश्चन आपका बेटे डेप्रिसिएशन से है, और 14 मार्क्स के लिए। फिफ्थ क्वेश्चन आपका बेटे फाइनल अकाउंट से है, 14 मार्क्स के लिए। और बेटे जो आपका लास्ट क्वेश्चन होगा यहाँ पर, वो होगा पार्टनरशिप से, और पार्टनरशिप से 14 मार्क्स का क्वेश्चन होगा। तो ये आपके पेपर के पैटर्न है बेटे, 70 मार्क्स के न्यूमेरिकल क्वेश्चन और 5 मार्क्स के थ्योरी के क्वेश्चंस होंगे, जिसके अंदर मैं उम्मीद करता हूँ क्लास 12th में आप बच्चों ने कई सारे चैप्टर्स ऑलरेडी प्रिपेयर कर रखे होंगे। तो सिर्फ 2 चैप्टर आपके लिए यहाँ पर बिल्कुल एब्सोल्युटली न्यू है, जो है ब्रांच और जो है बेटे हायर परचेजेस, ठीक है। तो आज मैं आप लोगों के साथ जो डिस्कस करूंगा, डेप्रिसिएशन आपने क्लास 11th में पढ़ा है मोर और लेस, फाइनल 11th में किया है बेटे, पार्टनरशिप आपने 12th में किया है। तो आज मैं बेटे आपके साथ ब्रांच के ऊपर थोड़ा सा डिस्कशन करूंगा कि ब्रांच के अंदर क्वेश्चंस कैसे आते हैं। एक और बात, मैं ब्रांच का आज थ्योरी बिल्कुल नहीं बताने वाला हूं, सीधा सीधा मैं प्रैक्टिकल पर लेके आऊंगा। थ्योरी 5 मैक्सिमम टू मैक्सिमम आपके पेपर में 10 मार्क्स के थ्योरी आने वाले हैं। मेरे पास अप्रॉक्स 15 मार्क्स के क्वेश्चन, 15 क्वेश्चंस विद आंसर है थ्योरी के लिए बेटे। वो PDF आप पढ़ लेंगे, आपका थ्योरी कंप्लीट हो जाएगा। तो आज मैं ब्रांच आपके साथ प्रैक्टिकल डिस्कस करने वाला हूं। हाँ जी बेटे, तो जैसा मैंने आपसे कहा कि आज मैं आपके साथ थ्योरी बिल्कुल डिस्कस नहीं करने वाला हूं बेटे, सीधा सीधा मुद्दे पे आता हूं, सीधा सीधा प्रैक्टिकल क्वेश्चंस पे आता हूं आपके साथ। और बेटे मुद्दा क्या है कि ब्रांच अकाउंट में हमारे पास ब्रांच के 2 मेथड्स हमें करना है। एक करना बेटे स्टॉक मेथड, और दूसरा करना हमने बेटे स्टॉक एंड डेटर मेथड। लेकिन ब्रांच अकाउंट जो चैप्टर हम लोग कर रहे हो, वो क्यों कर रहे हो, मैं एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन आपको ब्रांच का दे देता हूं बेटे। ऐसा कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो अपने लोकल शॉप्स को ओपन करके, जो अपने लोकल बिजनेस से अपने पूरे बिजनेस को कंट्रोल नहीं कर पाता, तो ऐसे बिजनेस हाउसेस को अलग अलग जगहों पे ब्रांच ओपन करने पड़ते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, इफ वी आर टॉकिंग अबाउट रिलायंस जियो, तो जियो सिर्फ बॉम्बे हेड ऑफिस में अगर होता तो वो इतना ज़्यादा ग्रोथ नहीं कर पाता। तो पूरे इंडिया में उसने क्या किया, अपने लोकल सेंटर्स या आप कह लो कि आउटलेट्स ओपन कर दिए, जिसको हमने ब्रांच बोला। ये ब्रांच 3 टाइप के हो सकते हैं बेटे, ये ब्रांच डिपेंडेंट भी हो सकते हैं बेटे, ये ब्रांच इनडिपेंडेंट भी हो सकते हैं, और ये ब्रांच फॉरेन ब्रांच भी हो सकते हैं बेटे। फॉरेन ब्रांच से तो आपको क्लियर हो गया होगा कि अगर कोई इंडिया के अंदर इनकॉर्पोरेटेड बिजनेस है, जैसे हम रिलायंस और टाटा की बातें करेंगे, तो दीज बिजनेस आर इनकॉर्पोरेटेड इन इंडिया, और उसके अगर ब्रांचेज आउट ऑफ इंडिया, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड कहीं पर भी चल रहा होगा, तो उसको हम लोग फॉरेन ब्रांच बोलेंगे। लेकिन मान लीजिए कि वो इंडिया के अंदर ही चल रहा है, तो उसको हम लोग डोमेस्टिक ब्रांच बोलते हैं। अब डोमेस्टिक ब्रांच के भी 2 बातें हैं, वो ब्रांच के डिपेंडेंट हो सकता है या इंडिपेंडेंट हो सकता है। डिपेंडेंट का मतलब कि उसके बुक्स ऑफ अकाउंट्स को हेड ऑफिस देखेगा, उसके खर्चे को हेड ऑफिस देखेगा, उसके रेवेन्यू को हेड ऑफिस देखेगा, सिर्फ उस ब्रांच को कमीशन मिल रहा होगा, सैलरी मिल रहा होगा। और इंडिपेंडेंट का मतलब बेटे
वो सब कुछ खुद करेगा, ब्रांच अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स खुद प्रिपेयर करेगा, अपने खर्चे इनकम का हिसाब किताब खुद रखेगा, एक फिक्स अमाउंट में पैसे वो हेड ऑफिस को दे देगा, दैट इज कॉल्ड इंडिपेंडेंट ब्रांच। ठीक है बेटे, अब हमारे एग्जाम के लिए क्या इंपॉर्टेंट है बेटे, हमारे एग्जाम में ब्रांच के टोटल दो मेथड्स है बेटे, एक मेथड स्टॉक एंड डेटर मेथड और दूसरा बेटे डेटर मेथड। तो आइए बेटे, आज मैं सबसे पहले तो हमारे दो मेथड्स हैं बेटे ब्रांच के, फर्स्ट स्टॉक मेथड एंड बेटे सेकंड वन इज स्टॉक एंड डेटर मेथड। ये दो मेथड्स हैं बेटे ब्रांच करने के, आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा मेथड वन स्टॉक मेथड। अब इस मेथड वन के अंदर, स्टॉक मेथड के अंदर क्या क्या अकाउंट ओपन करने होंगे, तो बेटे स्टॉक मेथड के अंदर हमें दो अकाउंट ओपन करने होते हैं बेसिकली, एक हमें बनाना होता है ब्रांच अकाउंट और दूसरा हमें बनाना होता है बेटे ब्रांच डेटर्स। बेटे तो हमने बात किया कि ब्रांच अकाउंट और ब्रांच डेटर अकाउंट, ये दो टॉपिक हमें कवर करने होते हैं स्टॉक मेथड के अंदर। आज मैं बेटे ब्रांच फर्स्ट मेथड आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ, और पहले मेथड के अंदर हमारा पहला अकाउंट बनेगा ब्रांच अकाउंट। बेटे ब्रांच अकाउंट बनाने के लिए कोई स्पेशल रूल नहीं है, जो आपने रूल्स ऑफ डेबिट क्रेडिट सीखा है क्लास 11th में वही अप्लाई होगा यहाँ पे। तो आपने वहाँ पे सीखा बेटे एसेट का ओपनिंग बैलेंस डेबिट होता है, यानी कि एसेट्स बढ़ेगा तो डेबिट साइड में और कम होगा तो क्रेडिट साइड में, लायबिलिटीज का ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट होता है। वही काम किया बेटे हमने, एसेट्स का ओपनिंग बैलेंस डेबिट में दिखाना है, टू ओपनिंग बैलेंस ऑफ ऑल एसेट्स, और बेटे लायबिलिटीज का ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट में दिखाना है बाई ओपनिंग बैलेंसेस ऑफ ऑल लायबिलिटीज। तो अगर एसेट ओपनिंग बैलेंस यहाँ है तो क्लोजिंग यहाँ आएगा, लायबिलिटीज ओपनिंग यहाँ है तो क्लोजिंग यहाँ आएगा। और क्या काम करेंगे बेटे, ब्रांच के पास हेड ऑफिस से जितनी भी चीज़ें आएंगी, डेबिट व्हाट कम्स इन, डेबिट व्हाट कम्स इन कहाँ पे जाएगा बेटे, डेबिट साइड में, और हम यानी कि ब्रांच हेड ऑफिस को जो भी चीज़ें देंगे वो बेटे क्रेडिट साइड में जाएगा, क्रेडिट व्हाट गोज आउट का रूल लगेगा। तो हमारे पास हेड ऑफिस से दो चीज़ें मिलेगा हमें बेटे, एक तो गुड्स मिलेगा, उसे GST भी लिखते हैं, गुड्स सेंड टू ब्रांच, और बेटे दूसरा हमें कैश मिलेगा। कैश क्यों देगा हमें हेड ऑफिस, खर्च करने के लिए, जैसे बेटे सैलरी पे करने के लिए, जैसे रेंट पे करने के लिए, इंटरेस्ट पे करने के लिए, तो इन सब बातों के लिए हमें पैसा मिलता है। अब ब्रांच हेड ऑफिस को जो चीजें देगा, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, वो क्रेडिट साइड में जाएगा बेटे। हम हेड ऑफिस को क्या देने वाले हैं सर, कैश देने वाले हैं। कहां से कैश दोगे, दो जगहों से हमारे पास कैश आएगा, एक तो आप कैश सेल करके हेड ऑफिस को दे दोगे, दूसरा बेटे कलेक्शन करके डेटर से हेड ऑफिस को दे दोगे। और बेटे हम क्या हेड ऑफिस को दे सकते हैं बेटे, हमारे पास जो गुड्स बच जाएगा या हमारे लिए जो अनसुटेबल होगा गुड्स, वो हम हेड ऑफिस को दे देंगे, उसको भी बाई GST ही लिखते हैं, गुड्स सेंड टू ब्रांच ही लिखते हैं। अब इतना काम करने के बाद अगर बैलेंसिंग फिगर बेटे डेबिट में आ जाता है, तो इस बैलेंसिंग फिगर को हम बोलते हैं सरप्लस, यानी कि प्रॉफिट, और अगर बैलेंसिंग फिगर बेटे क्रेडिट में आ जाता है तो इसको आप बोलते हो बाई डेफिसिट, यानी कि बेटे ये हमारे लिए लॉस है। एक बार फिर समझना, मैं क्वेश्चन आज डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ फॉर्मेट आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ बेटे। एक बार फिर समझेंगे कि हम ब्रांच अकाउंट कैसे बनाते हैं। तो बेटे ब्रांच अकाउंट बनाने के लिए सिंपल रूल, एसेट्स का ओपनिंग बैलेंस क्लास 11th के बच्चे जानते हैं सर डेबिट होता है, मैंने लिख दिया बेटे ओपनिंग बैलेंस ऑफ ऑल एसेट्स डेबिट साइड में, और बेटे एसेट्स का क्लोजिंग बैलेंस कहाँ पे जाएगा फिर, क्रेडिट में। सिमिलरली लायबिलिटीज का ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट में जाएगा और लायबिलिटीज का क्लोजिंग बैलेंस डेबिट में जाएगा। अब क्या रूल है बेटे, डेबिट व्हाट कम्स इन क्रेडिट व्हाट गोज आउट। अब मेरे पास जो आएगा वो डेबिट में कहाँ से आएगा जी, हेड ऑफिस से आएगा। मेरे पास से जो भी जाएगा हेड ऑफिस को वो कहाँ जाएगा बेटे, क्रेडिट में। हेड ऑफिस से दो चीजें आया, क्या दो चीजें आया बेटे, हेड ऑफिस हमें गुड्स देगा, हेड ऑफिस हमें कैश देगा। हम हेड ऑफिस को दो चीजें देंगे, एक हेड ऑफिस को कैश जो हम अर्न करेंगे ब्रांच में वो देंगे, और जो हमारे लिए अनसुटेबल गुड्स होगा उसे हम हेड ऑफिस को रिटर्न कर देंगे।
फाइनली जब आप टोटल करेंगे बेटे, तो अगर बैलेंसिंग फिगर डेबिट में आ गया तो आपका सरप्लस है, और बैलेंसिंग फिगर क्रेडिट आ गया तो आपका डेफिसिट है। होप आपको टॉपिक समझ आ गया होगा बेटे, लेकिन ये बेस्ट और बेस्ट तब आपको समझ में आएगा जब हम इसके ऊपर क्वेश्चन शुरू करेंगे। तो नेक्स्ट टाइम में मैं आपके साथ जब मिलूंगा तो सीधा सीधा बीकॉम के अंदर क्या क्वेश्चन आया हुआ है वही क्वेश्चन और उसी इस फॉर्मेट के ऊपर वो क्वेश्चन मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। ओके बेटे, बाय बाय, टेक केयर।